अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बेमेतरा में कहा कि प्रदेश का किसान खुशहाल है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेहतर है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने काला धन विदेशों से लाने का दावा किया था। क्या विदेशों से काला धन आया? सीएम भूपेश ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। किसान जेन खेती छोड़ के शहर तरफ चल देरी से बाहर चल देरी से आज रिवर्स माइग्रेशन हुए, शहर से लौट के गांव तरफ आ गए। कतेक बर्बाद अते सरलता से अर्थव्यवस्था बताई राहुल जी है, और बोला जब हम लागू करें तो आज पूरा छत्तीसगढ़ में खुशहाल है। और यही बात जब गरीब के किसान के मजदूर के जेब में पैसा गए है तो वही पैसा व्यापार में लगा थे, व्यवसाय में लगा थे। आज हमारे व्यापार व्यवसाय फलत फुलाते, उद्योग के पहिया घुमा थे। तो आज जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था है ये देश और दुनिया भर। ये एक नजीर बने हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल जिन कांग्रेस के मॉडल है, जिन राहुल जी के सोच के हिसाब से काम कर रहे थे, ये राहुल जी के मॉडल है। तो आज अर्थव्यवस्था नया दिशा दे। अब मोदी जी आए कहा थे मोदी के गारंटी, और तोरे गारंटी की क्या गारंटी है? 15 लाख दे नहीं सकते हैं, धू खरीद नहीं है। मित्रों विदेश से काला धन लाऊंगा सबके खाते में 15-15 लाख मिल गए, अतोकर गारंटी क्या गारंटी है? देश के काला धन निकालूं कि रात के ये 8 नवंबर आज 15 है, 8 दिन पहले कैरी से रात के 8 बजे टेलीविजन में प्रकट हुई। भाइयों और बहनों आज से 5 रात को 12 बजे के बाद 500,000 का नोट रद्द दी ले। काला धन है इस कद का नोट जमा हुई थी गिनती हुई, अरे तोर गारंटी की क्या गारंटी? करोड़ों भगा दू किस की ताली बजाओ, थाली बजाओ। मैं अभी नहीं कहा था ताली बजाए पर वो मोदी जी कह रही से 21 दिन में करोड़ों भगा दू किस भागीस करो ना लौट लौट के 3 घाव ले। तो मोदी के भी गारंटी के कोई गारंटी नहीं है। किसान के आय दुगुना कर दूं के इसे 2 करोड़ नौकर रोजगार दूं कि इसको कुछ नहीं मिली। तो हम ये कहा था मोदी जी तोरो गारंटी के कोई गारंटी नहीं है, लेकिन राहुल जी के बाद के गारंटी है।